So श्रोताओ और मेरे फॉलोअर्स का जिन्होंने अपना प्रशियस uh, टाइम uh, इस पोल के लिए uh, निकाला जो कि हमने अपने ट्विटर हैंडल पे कवर uh, किया था यस्टरडे गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स हमने ये चार स्टॉक हमने पोल में डाला हुआ था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टीसीएस कोटक बैंक एंड एल एन टी ये ए, करीब करीब ये सब स्टॉक हमारे पिछले एपिसोड में टाटा मोटर्स क्या नई ऊंचाइयां छुएगा या पांच सौ पचासी से गिरेगा उसका हमने लिंक भेजा है क्या आपको मजा आया पांच सौ सत्तर के नीचे कैसे गिरा वो टाटा मोटर्स और पूरा समय गिरता रहा 570 से 560 और हमने कहा था पांच सौ जैसे ही गिरेगा तीन uh, तीन पंजे का रहस्य, right? तो ये वेव में भी होता है तीन पंजा, और uh, इसका हम कभी एपिसोड बनाएंगे द थ्री फाइव 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 एंड फाइव द मैजिक एंड द Secret behind uh, this, we'll cover sometimes later. So, I hope uh, you enjoyed uh, the fall in Kotak stock. Uh Somewhere below 570s, uh, which was a key level, and below 570s, we suggested it that zone of 570 and 560s. It had a fall to 560s, and below 560, if it continues, then it, it uh, will fall to 555. And it halted very close uh, in approximately or precisely, if I tell you, it is 557 and started bouncing back. So, what will happen? those are the key levels if you haven't watched tata motors episode make sure that watch that episode uh, in the link which i have mentioned a few minutes back on the episode right and uh, thanks to all of you once again for participating in the poll and making this successful uh, got 41% vote for kotak bank and it stood out or was a star among these four stocks and and that's why we are doing this special episode recording Kotak Kotak Bank uh, from wave perspective so let's quickly jump to Kotak Bank and as you can see पे आप देख सकते हैं 2004 से ये से ये ग्रैप कर लीजिए और आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर आप यहाँ पे डालेंगे ऐसे तो आपको मालूम होगा कि uh, ये स्टॉक uh, से जा रहा है लेफ्ट बॉटम से आपके राइट right, टॉप uh, में जा रहा है राइट right? सो so, इसका मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड में है इट्स अ सिंपल वे ऑफ द अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऑफ द स्टॉक आप देखेंगे ऊपर गया नीचे आया करेक्शन किया ऑफर ऊपर गया बीच में करेक्शन किया फिर ऊपर गया ये 2020 का कोविड का करेक्शन था फिर ये ऊपर गया और फिर अब ये साइडवेज कर रहा है तो ये एक अप ट्रेंड में इंटैक्ट है कोटक बैंक कोटक बैंक शेयर एनालिसिस हम कर रहे हैं राइट right. सो so, इतना तो आपको मालूम पड़ गया कि ये एक अप ट्रेंड है अब आगे क्या आगे हम उसको लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे हाँ क्या लगता है तो हम इस इसके लिए हम अब जाएंगे वीकली चार्ट में करेंगे विच इज राइट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप ध्यान देंगे वीकली चार्ट में तो इस 200 मूविंग एवरेज ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया कोटक स्टॉक के लिए जब जब ये इसके ऊपर आया लैंड किया तब तब ये एक नई ऊंचाई तक पहुंचा इफ यू कैन जस्ट सी यहाँ पे इट ड्रॉप्ड इट पुस्ट साइड इट इट नॉट ड्रॉप इट जस्ट ड्रॉप्रीच स्लाइडली बट इट वॉज क्वाइट यू नो फास्ट इस जगह, तो uh, जगह लैंड किया था मूविंग एवरेज पे और बारह सौ सत्ताइस उसकी कीमत थी उस वक्त अट्ठाइस सितंबर दो हजार बीस की बात है राइट जब हम uh, जूझ रहे थे उस कोविड के अः uh, फर्स्ट uh, राउंड में राइट right? उसके बाद क्या हुआ बहुत एक्सप्लोज़िव मूव हुआ मार्केट में एंड जस्ट मेड अ न्यू हाई ऑफ 20 25 एंड 2020 uh, 50 का 2050 का और 2025 का हाई मारा इट डेड साइडवेज इट जस्ट रैलीड बैक अगेन टू अनदर हाई ऑफ 2250 तो अगर आप इसको देखेंगे इस लेवल को इस कैंडल के को तो ये है 22 हाँ 2253 तिरपन का हाई है दिस इज हाई ऑफ टू टू फाइव थ्री और वहां से ये काफी साइडवेज कर रहा है तो देखेंगे ये आ, आ, मोटा मोटी एक साइडवेज जोन में चल रहा है यहां से 2000 आ, और 2021 फरवरी से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मैं जोन हमने मार्क किया है इस जोन में आप ध्यान देंगे ये काफी साइडवेज कर रहा है सिर्फ एक बार ब्रिज किया था वो दो हजार दो सौ तिरपन का हाई मारा जो कि अक्टूबर 2021 की बात है और आप ओवरऑल देखेंगे तो ये स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है करीब करीब दो साल से दो साल कुछ महीने हो चुके हैं आज जून का महीना चल रहा है पच्चीस जून दो हजार तेईस आज का दिनांक अगर आप ध्यान देंगे ये दो साल का जोन है टू कंसोलिडेशन अब ये टू इयर्स साइडवेज कंसोलिडेशन क्या हो सकता है से आप अगर दे, ध्यान देंगे यहाँ पे तो ये करीब करीब ये दो साल का करेक्शन यहाँ पे भी हुआ था जो 2007 में जब हाउसिंग कोलैप्स हुआ था इस जगह को आप देखेंगे और इस जगह को आप देखेंगे तो ये करीब करीब सिमिलर टाइम जोन है करेक्शन का बट ये शार्प करेक्शन है और ये एक साइड करेक्शन है तो वेव थियोरी में एक जगह पे एक गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार एज पर गाइडलाइन ऑफ वेव थियोरी वन वेव करेक्टिव वेव इफ हैदर वेव हैज बी साइड वे सो इस हिसाब से हम uh, करते हैं कि ये हमारा एक्सप्लोजिव वेव थ्री था यहाँ पे ये यह जो वेव हुआ यहाँ से जो 2009 से चाल हुआ वो हमारा एक मल्टी ईयर मूव था जो कि बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मूव था और अब हम ये करीब करीब एक साइडवेज पॉज में घुसे हैं दो दो साल का ये पीरियड हो चुका है और आगे हम क्या देख रहे हैं यदि मेरा अनुमान सही है तो हम इसे पहले हटा देते हैं और आप एक ट्रेंड लाइन ले लीजिए और आप नीचे अगर लगाएंगे इसे ट्रेंड लाइन तो आपको मालूम पड़ेगा ये 1625 का लेवल है और 1625 का लेवल काफी यू uh, नो you know, अच्छे तरह से इसने रिस्पेक्ट किया इस uh, 1625 के लेवल को वाओ इज इन दैट अमेजिंग अब मैं डेली चार्ट पे भी जाऊंगा और डेली चार्ट देखेंगे कि uh, ये जो ट्रेंड लाइन है मी जस्ट गो बैक ऑन टू वीकली चार्ट बिकॉज ए ट्रेंड लाइन विजिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से गायब हो रहा है सो लेट मी जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस ट्रेंड लाइन गो टू विजिबिलिटी एंड जस्ट चेक द डे बिकॉज डे वॉज यू नो अनचेक् सो वो विजिबिलिटी फैक्टर में अवेलेबल होता है ट्रेंड लाइन अगर आपको किसी टाइम फ्रेम में आपको कुछ ड्रॉइंग टूल चाहिए तो आप uh, उस उसके अनुसार आप चेक अनचेक कर सकते हैं टाइम फ्रेम्स सो so, अब हम डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक साइडवेज जो करीब करीब दो साल का वेत, आ, समय गुजार चुका है और ये 2007 और 2009 के करेक्शन के एकदम अनुसार है और उसका टाइम अवधि पूरा कर चुका है तो हम इसमें कितना और करेक्शन देख सकते हैं हम यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक इेगुलर ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है दैट इज वन पॉसिबिलिटी और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है एक फ्लैट का तो फ्लैट uh, में कैसा होगा ये एक शार्प फॉल दे सकता है uh, अगर 1630 थोड़ा बट यदि 1625 और 1600 पचास का जोन होल्ड कर गया इफ दैट जोन होल्ड्स हियर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन फिफ्टी और हमें ये गिरावट अगर हमें यहाँ पे मिल गई तो आप इस जोन को जरूर वो एक बार तो रिस्पेक्ट करेगा आपका मिनिमम रिस्क रहेगा इस जोन में बाय करने का बट याद रखिएगा सोलह पच्चीस के नीचे आप इसे होल्ड मत करिएगा क्योंकि अगर सोलह सौ पच्चीस के नीचे गया तो ये सौ दो सौ पॉइंट नीचे दे सकता है इस जोन तक विच इज यू नो 1250 एंड 1300 का जोन तो उसे आप बाय मत करिएगा होल्ड मत करिएगा बट हाँ 1625 अगर आता है और यहाँ पे काफी समय बिताता है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले रहा है टर्न अराउंड ले रहा है तो वही समय होगा आपका खरीदने का कोटक और आप जरूर मिस मत करिएगा स्टॉक को क्योंकि ये स्टॉक का आउटलुक अभी भी बहुत पॉजिटिव है ये दो साल का साइडवेज करने के बाद ये 2250 जो कि ऊपर का लेवल है ना जो ये हाई मारा था उसने अक्टूबर 2021 में आ, दिस लेवल आ, लेट मी जस्ट राइट दिस फॉर आर फ्यूचर रेफरेंस 2253 का जो लेवल है वो लेवल आ, हम इसे टेक्स्ट या कलर उसका प्लाक ले लेते हैं फॉर विजिबिलिटी सो अब देखेंगे ये तो जाएगा ही और जाने के बाद इसे क्रॉस करेगा तो करीब करीब हमें सौ से दो सौ पॉइंट का अप्रिसिएशन ऊपर भी मिल सकता है वो अनचार्टेड टेरिटरी है सो so अभी बताना बहुत डिफिकल्ट होगा बट हाँ अगर सोलह पचास टिक गया होल्ड कर गया बिकॉज ये मल्टी ईयर और मल्टी वीक सपोर्ट है ये सपोर्ट जोन है इसमें होल्ड करने के चांसेस इसके बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग है अगर ये गिरा यहाँ पे और तो आपको इस इसमें बाय करना ही है आपका रिस्क बहुत मिनिमम है इस जगह पे और यहाँ पे आप बाय करेंगे अगर होल्ड कर गया तो हम इसे बाईस सौ तिरपन लेवल तो देखेंगे ही और इसके बियॉन्ड हम और फिर से देख सकते हैं तो आप जानिए इसे ओवरऑल uh, हम इसे काउंट uh, ऐसे ही करेंगे uh, uh, इससे हम डिलीट कर देते हैं पहले तो हम एरोस को या हम इस वॉटर uh, मार्क को डिलीट कर लेते हैं या हिडन कर लेते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी तो आप देखेंगे ये हमारा वेफ काउंट यहाँ पे है राइट right? तो ये हमारा प्राइमरी वेव है चल रहा है हम इसे प्राइमरी वेव मान रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर एंड लाइक दिस फाइव तो मैं इसे इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसकी डिग्री मैं इसको प्राइमरी वेव ले लेता हूँ तो आप देखेंगे आ, इसको वेव भी मार्क कर लेते हैं हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जो कि हमारा ये लेवल है वेव हो सकता है और ये हम कर रहे हैं वेव का अ पॉज और हम एक वेव फाइव का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ये सिंपल एक वेव काउंट किया है ऑन अ लॉन्गर डिग्री चार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम बिकॉज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, से काफी समय लगेगा और उतना समय है नहीं मेरे पास सो लॉजिकली सिंपल वे से आप देखेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक साइड वे पॉज है ये वे वे फोर में चल रहा है और हम एक वे फाइव इसका एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो कि बाईस का एक टारगेट हो सकता है उसके बियॉन्ड भी जा सकता है सौ से दो पॉइंट So, ये स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है और ये ऐसा फॉर्मेशन कर सकता है ट्राइंगल का हम इस जोन को थोड़ा सा हटा देते हैं ट्राइंगल सो so, आप देख सकते हैं इस ये एक ट्राइंगुलर करेक्शन हो सकता है और ये एक पेन अल्टीमेट वेव जैसा कि हम हमेशा ये अपने एपिसोड में बताते हैं एक पेन अल्टीमेट वेव हो सकता है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए ये 1625 से 1650 के जोन में बाय करने का और ये होल्ड कर जाए तो हम एक अपसाइड uh, मूव देख सकते हैं इसको हम पिंक कलर ले लेते हैं ब्लैक रखेंगे हम स्टाइल इसका कर देते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा ये 2000 2004 के करीब जो बॉटम था यहां से तो जब चालू हुआ तो हमारे पास इतना ही डेटा अवेलेबल है अभी फिलहाल तो ये वेव वन में एक्सप्लोड हुआ था 2007-2008 का बात है जो हाउसिंग कोलैप्स हुआ यहाँ पे ये दो साल का करेक्शन किया वेव टू में और फिर एक्सप्लोजिव डेकेड हाई बनाया इसने 2010 से करीब करीब ये 2021 हजार साल का अपवर्ड जर्नी था और ये एक्सप्लोजिव वेव थ्री हो सकता है और यहां से अब ये दो साल का साइडवेज करेक्शन कर रहा है जो कि उसकी अवधि पूरी कर चुका है मिनिमम ड्यूरेशन विच इज वेव टू डिस्टेंस और टाइम करीब करीब दो साल पूरा कर चुका है इससे बियॉन्ड हो सकता है आई डोंट और इसके कुछ लेग्स अब बाकी हैं और ये अगर फाइनल जोन में जाने की तैयारी कर रहा है यदि आपको 1650 से 100 सोलह के जोन में मिल जाए और ये होल्ड कर जाए तो हम ये अपवर्ड वेव देख सकते हैं जिसका ट्रेजेक्ट्री और जिसका ऐसे ऊपर की तरफ फिफ्थ फाइनल लेग में हो सकता है और इसका ऑब्जेक्टिव बाईस से बाईस सौ पचास से लेके तो, चौबीस सौ पचास और पच्चीस सौ का टारगेट हो सकता है so, आप स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए चलिए अब हम क्विकली बैंक निफ्टी में जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया फ्राइडे के दौरान तो ये फोर आवर चार्ट में तो हम ऑलरेडी जाते हैं we'll सो uh, so, यहां आप देखेंगे मार्केट uh, जैसे ही फ्राइडे को खुला uh, करीब करीब ये सो so, ये कैंडल था ये ओपनिंग कैंडल था सवा नौ का और uh, हमने बताया था कि आप इसे तिरालीस हजार सात सौ और आठ सौ के जोन के नीचे ही uh, उसको रखना uh, अगर uh, आप बाय नहीं करना Uh, से लेके का ज़ोन ज़ोन था था वो बहुत ही जोन था। हमने ये कहा था इसके ऊपर रहेगा तो ही हम बाय करेंगे नहीं तो हम बाय नहीं करेंगे राइट और आप देखेंगे ये एक सडन एक क्विक uh, कैंडल दे दिया इसने और कहाँ आया ये भी एक लेवल हमने अपने पिछले के पिछले एपिसोड में बताया था कौन सा लेवल था वो वो लेवल था 500 और 550 का अगर आपको भूल गया तो मैं फिर से वापस लिख देता हूं हमने कहा था कि यहां पे आपको बुक कर लेना है कहाँ पे बुक कर लेना है आपको तिरालीस हजार आपको सौ और तिरालीस हजार सौ पचास ये जोन में आपको बुक कर लेना है इस जोन में दिस जोन यू द लो ऑफ द कैंडल वॉज फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटीन और नाइनटीन समथिंग के 40500 के करीब था और यहां से ये एक पुश शार्प पुश दे दिया आपको करीब-करीब 200 से 300 पॉइंट का पुश दिया और पहला पुश ये 800 के हाई पे था जो कि ऊपर का रेजिस्टेंस था 700 और 800 और ऊपर जाने के बाद फिर ये साइडवेज धमाल करने लगा यहां पे और ये आप ध्यान देंगे ये 800 के करीब-करीब जाते-जाते इसका दम निकलने लगा तो ये सात सौ और आठ सौ के बीच में फिर से जाके वहां रुका थोड़ा समय में बारह और एक की बात दौरान की बात है जब हमारा लंच सेशन था मिड सेशन था और वहां से ये फिर से चौपी तरीके में नीचे गिरा और वॉट आर वी एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि अगर मार्केट ऊपर खुले 600 के ऊपर तिरालीस हजार सौ ऊपर खुले तो हम यहाँ पे फिर से दोबारा रेजिस्टेंस देख सकते हैं जो कि हमारा 700 का रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है हम इसे क्लोन कर लेते हैं इस, इसको और हम दोबारा यहाँ पे लगाएंगे हमारा यहाँ पे एक सेलिंग जोन है 700 के करीब और अगर 700 के ऊपर गया तो हम दोबारा आठ और 850 के करीब देख सकते हैं जो कि ये हाई है ये हाई तो ये चैनल हो सकता है बट अभी हम कुछ स्पेसिफिक नहीं बताएंगे क्योंकि मार्केट वेज रिएक्ट कर सकता है ये इसको तोड़ भी सकता है यदि अगर तोड़ा तो हमारा वो जो नीचे का सपोर्ट है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा तो यदि आप इसे कनेक्ट करेंगे बॉटम्स को इस बॉटम्स को आप कनेक्ट कर लीजिए ऐसे और यदि मार्केट नीचे खुलता है और गैप डाउन होता है तो आप याद रखिएगा 600 सौ के ऊपर नहीं जाना चाहिए और 600 सौ के जब तक नीचे रहेगा तब तक ये करीब करीब दो सौ से ढाई सौ पॉइंट का नीचे स्कोप है आने का और यहाँ पे ये आ सकता है तिरालीस तो हजार तीन सौ पचास से लेके तिरालीस तो हजार चार सौ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा वहां पे ये होल्ड कर सकता है या तो आप इंडेक्स को अगर ऊपर ऊपर खुलता है गैप अप खुलता है मा... मार्केट uh, में तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देख सकते हैं इस जगह का uh, जोन 700 होगा पहला रेजिस्टेंस और अगर 700 के ऊपर क्रॉस करेगा तो 150 पॉइंट का और एक्सटेंशन देख सकते हैं सो तो 850 से लेके 875 जो कि ये हाई है ये बीच का जो ये एक हॉल्ट uh, था वो वहां पे आ सकता है और उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस मिलने के बाद दोबारा ये वो इस ट्रेंडलाइन तक आ सकता है नीचे वाले ट्रेंड लाइन तक तो आपको नहीं तो अगर कंटिन्यू होता है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे आठ सौ पचास और आठ सौ पचहत्तर के बीच में अगर ऊपर हॉल्ट हो जाता है तो फिर हम वापस एक गिरावट की तरफ देख सकते हैं जो कि आठ सौ से लेके हम छे सौ देखेंगे छह सौ के नीचे जो ये है और छह सौ के नीचे हम दोबारा 200 दो से 300 पॉइंट और देख सकते हैं ये हाँ हमारा शॉर्ट टर्म आउटलुक हो सकता है कल के सेशन में चलिए हाँ आपका दिन शुभ रहे धन्यवाद